होती है। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे 10 खतरनाक ज्वालामुखी उद्रेकों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं कौन से वो 10 खतरनाक ज्वालामुखी उद्रेक। 10वें नंबर पर है माउंट गलुंगंग जावा इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी पैसिफिक फायर रिंग्स पर स्थित है। घोड़े के पैर के आकार की पर्वत श्रृंखला से घिरा ये ज्वालामुखी दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का उद्रेक 1982 में हुआ था और इस विस्फोट में करीब करीब 4,011 लोगों की मौत हो गई थी। ज्वालामुखियों के विस्फोट की कैटेगरी में इसे 5वें लेवल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्रेक कहा जाता है। 9वें नंबर पर है माउंट केलुट इंडोनेशिया। माउंट केलुट ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्रेक कहा जाता है। 1919 में जब ये ज्वालामुखी फटा तो आसपास के करीब 100 गांव तबाह हो गए और उन गांव में रहने वाले 5,110 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये ज्वालामुखी एक क्रेटर तालाब में फटा था और इसकी वजह से तालाब का करीब करीब 4 करोड़ घन मीटर पानी बाहर बह गया था और धूल मिट्टी के बादल करीब करीब 40 किलोमीटर तक फैल गए थे। 8वें नंबर पर है माउंट वेसुवियस इटली। इस ज्वालामुखी में इतिहास में भी बहुत सारे विस्फोट हुए हैं और दिसंबर 1631 में जो विस्फोट हुआ ये उसका दूसरा सबसे विध्वंसकारी विस्फोट था। ये ज्वालामुखी करीब करीब सुबह के 6-7 बजे के आसपास फटा और 6,000 लोगों को नींद में ही मौत के घाट उतार दिया। मानो आसमान आग की लपटों से भरा था और जमीन ने अपना दानवी मुंह खोलकर लोगों को निगल लिया था। 7वें नंबर पर है लाकी ज्वालामुखी प्रणाली आइसलैंड। 8 जून 1783 से लेकर 8 फरवरी 1784 तक इस ज्वालामुखी के दानवी मुंह से खूनी लावारस बाहर निकल रहा था। करीब करीब 14 किलोमीटर तक ये लावारस बहता चला गया, लेकिन लोग इस लावारस के कारण नहीं मरे बल्कि इसका कारण था जहरीली हवा। इस ज्वालामुखी के अंदर से निकली जहरीली गैस ने करीब करीब 9,350 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 6वें नंबर पर है माउंट वेसुवियस इटली। ये माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी का आज तक का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला उद्रेक था। ये ज्वालामुखी 24 अगस्त 1969 AD में फटा था, यानी कि करीब करीब आज से 2100 साल पहले। लेकिन जब ये फटा तब चारों तरफ मौत का मंजर था। आसमान से आग के शोले बरस रहे थे। इस ज्वालामुखी के उद्रेक ने हरकुलानियम और पोम्पेई नामक दो शहरों को तबाह कर दिया। इसमें करीब करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई। इसे निकले लावारस ने लोगों के पत्थर के पुतले बना दिए और आज भी वहाँ पर पत्थर के बने हुए इंसान मौजूद है जिनके अंदर इंसानों की लाशें दबी हुई है। 5वें नंबर पर है माउंट उंजेन जापान। ये आज तक का जापान का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला ज्वालामुखी उद्रेक था। 1792 में जब ज्वालामुखी फटा तब 12 से 15,000 लोगों की मौत हो गई। मानो हर तरफ जमीन भूखा होने का इशारा कर रही थी। सैकड़ों जगह पर धरती ने अपना मुंह खोला था और हजार लोगों को अपने अंदर खींच लिया। ऐसा डरावना मौत का मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। 4वें नंबर पर है नेवाडो डेल रीज कोलंबिया। 13 नवंबर 1985 को एक बेहद ही भयानक दुर्घटना घटी। वहाँ का एक ज्वालामुखी देर रात को फटा और सतर्कता के अभाव के कारण और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से करीब करीब 30,000 लोगों की जान चली गई। 3रे नंबर पर है माउंट क्राकाटोवा इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी 16 अगस्त 1883 में फटा और उसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी। पूरा का पूरा पहाड़ बिखर गया और आसमान से पहाड़ के टुकड़ों की बारिश होनी शुरू हुई। इसमें करीब करीब 36,000 लोगों की मौत हो गई। पूरा आसमान धुएं से भर गया था और कई दिनों तक लोगों को तो सूरज भी नजर नहीं आया। 2रे नंबर पर है माउंट पेली वेस्ट इंडीज। माउंट पेली का ज्वालामुखी एक बार नहीं बल्कि 25 अप्रैल से लेकर 28 मई 1902 तक रोज फटता था और इन दिनों में रोज लाशों के ढेर भिजते चले गए। आसपास के शहरों से कई दिनों तक रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस हादसे में करीब करीब 40,000 लोगों की मौत हो गई। और पहले नंबर पर है माउंट तंबोरिया इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी विस्फोट आज तक का सबसे भयानक विस्फोट माना जाता है। अप्रैल 10, 1896 में फटा ये ज्वालामुखी मौत का कहर लेकर बरसा था। इसमें करीब करीब 1,00,000 लोगों की मौत हो गई और आसमान में करीब करीब 1 साल तक घने बादल छाए रहे। उस साल में कोई फसल नहीं होगी। लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। सन 1816 को द ईयर विदाउट समर, यानी कि धूप के मौसम के बिना वाला वर्ष कहा जाता है।